नमस्कार दोस्तों, मैं हूँ रवि चपटे और आज हम क्रिया में देखेंगे प्रेरणार्थक क्रिया के भेद। इससे पहले हमने क्रिया के मुख्य भेद और संरचना या प्रयोग के आधार पर भेद देखे हैं। संरचना या प्रयोग के आधार पर क्रिया के 11 भेद हैं। उनमें सामान्य क्रिया, संयुक्त क्रिया, नाम धातु क्रिया, प्रेरणार्थक क्रिया, पूर्वकालिक क्रिया, तात्कालिक क्रिया, रुदंत क्रिया, यौगिक क्रिया, सहायक क्रिया, सजातीय क्रिया, विधि क्रिया। अब हम प्रेरणार्थक क्रिया के प्रेरक और प्रेरणार्थक क्रिया के भेद देखने वाले हैं। प्रेरणार्थक क्रिया के दो प्रेरक है, एक प्रेरक कर्ता और प्रेरित कर्ता। प्रेरणार्थक क्रिया के भी दो भेद है, एक प्रथम प्रेरणार्थक क्रिया और दूसरा द्वितीय प्रेरणार्थक क्रिया। सबसे पहले हम देखेंगे प्रेरणार्थक क्रिया किसे कहते हैं। कर्ता कार्य को स्वयं न करके किसी दूसरे से करवाता है अथवा दूसरे को कार्य करने की प्रेरणा देता है। जिन क्रियाओं से इस बात का बोध हो उसे प्रेरणार्थक क्रिया कहते हैं। जैसे शिक्षक ने छात्र से कविता पढ़वाई। इस वाक्य में शिक्षक और छात्र यह कर्ता है, परंतु शिक्षक यह मुख्य कर्ता है। यह कार्य शिक्षक इस कर्ता ने स्वयं न करके किसी दूसरे से, मतलब छात्र से करवाया है, इसीलिए इस वाक्य में पढ़वाई यह प्रेरणार्थक क्रिया है। दूसरा वाक्य देखिए, रमेश ने नौकर से बाजार मंगवाया। इस वाक्य में रमेश यह मुख्य कर्ता है और बाजार मंगवाने का कार्य रमेश यह कर्ता स्वयं न करके नौकर से करवाता है, इसीलिए इस वाक्य में मंगवाया यह प्रेरणार्थक क्रिया है। तीसरा वाक्य देखिए, माँ ने बालक से खाना खिलवाया। इस वाक्य में माँ यह मुख्य कर्ता है और खाना खिलाने का कार्य माँ इस कर्ता ने स्वयं न करके बालक से करवाया है और इसीलिए इस वाक्य में खिलवाया यह प्रेरणार्थक क्रिया है। एक बात यहाँ पर याद रखिए, प्रेरणार्थक क्रिया में कर्ता कार्य स्वयं न करके किसी दूसरे से करवाता है अथवा कार्य करने की प्रेरणा देता है। अब हम प्रेरणार्थक क्रिया के प्रेरक देखेंगे। प्रेरणार्थक क्रिया में दो कर्ता होते हैं, यह हमने अभी देखा है। इसी पर से प्रेरणार्थक क्रिया के दो प्रेरक होते हैं। प्रेरणार्थक क्रिया का पहला प्रेरक है प्रेरक कर्ता, जो किसी और को प्रेरणा प्रदान करता है या प्रेरणा देता है उसे प्रेरक कर्ता कहते हैं। जैसे शिक्षक ने छात्र से कविता पढ़वाई, रमेश ने नौकर से बाजार मंगवाया, माँ ने बालक से खाना खिलवाया। इन वाक्यों में शिक्षक, रमेश और माँ यह कर्ता छात्र, नौकर और बालक को कार्य करने की प्रेरणा देते हैं। इसीलिए इन वाक्यों में शिक्षक, रमेश और माँ यह कर्ता प्रेरक कर्ता है। प्रेरणार्थक क्रिया का दूसरा प्रेरक है प्रेरित कर्ता, जो किसी और से प्रेरणा लेता है अथवा प्रेरित होता है उसे प्रेरित कर्ता कहते हैं। जैसे शिक्षक ने छात्र से कविता पढ़वाई, रमेश ने नौकर से बाजार मंगवाया, माँ ने बालक से खाना खिलवाया। इन वाक्यों में छात्र, नौकर और बालक यह कर्ता शिक्षक,
रमेश और माँ से कार्य करने की प्रेरणा लेते हैं। इसीलिए इन वाक्यों में छात्र, नौकर और बालक यह करता प्रेरित करता है। अब हम प्रेरणार्थक क्रिया के भेद देखेंगे। प्रेरणार्थक क्रिया के दो भेद है, उसमें पहला भेद प्रथम प्रेरणार्थक क्रिया। प्रथम प्रेरणार्थक क्रिया में कर्ता प्रेरक बनकर कार्य करने की प्रेरणा देता है, उसे प्रथम प्रेरणार्थक क्रिया कहते हैं। जैसे शिक्षक छात्रों को पढ़ाता है, विद्या मोहन के लिए पकोड़े बनाती है, सुधा सहेली को घर दिखाती है। इन वाक्यों में शिक्षक, विद्या और सुधा यह कर्ता प्रेरक कर्ता बनकर प्रेरणा दे रहा है। इसीलिए यहाँ पढ़ता, बनाती, दिखाती यह क्रिया प्रथम प्रेरणार्थक क्रिया है। प्रेरणार्थक क्रिया का दूसरा भेद है द्वितीय प्रेरणार्थक क्रिया। द्वितीय प्रेरणार्थक क्रिया में कर्ता खुद दूसरे को कार्य करने की प्रेरणा देता है, उसे द्वितीय प्रेरणार्थक क्रिया कहते हैं। जैसे शिक्षक छात्रों को गौरव से पढ़वाता है, विद्या मोहन के लिए पकोड़े गीता से बनवाती है, सुधा माँ से सहेली को घर दिखवाती है। इन वाक्यों में शिक्षक, विद्या और सुधा यह कर्ता स्वयं कार्य न करके गौरव, गीता और माँ को कार्य करने की प्रेरणा दे रहे हैं, मतलब दूसरों से कार्य करा रहे हैं। इसीलिए यहाँ पढ़वाता, बनवाती, दिखवाती यह क्रिया द्वितीय प्रेरणार्थक क्रिया है। क्रियाओं के प्रथम तथा द्वितीय प्रेरणार्थक क्रिया रूप देखिए। यहाँ पर एक चार्ट दिया गया है, इसमें मूल क्रिया, प्रथम प्रेरणार्थक क्रिया का रूप और द्वितीय प्रेरणार्थक क्रिया का रूप दिया गया है। पढ़ना यह मूल क्रिया है। पढ़ना इस मूल क्रिया का प्रथम प्रेरणार्थक रूप होता है पढ़ाना, और द्वितीय प्रेरणार्थक रूप होता है पढ़वाना। मिलना, मिलाना, मिलवाना। करना, कराना, करवाना। लौटना, लौटाना, लौटवाना। बनना, बनाना, बनवाना। देना, दिलाना, दिलवाना। लिखना, लिखाना, लिखवाना। सुनना, सुनाना, सुनवाना। चलना, चलाना, चलवाना। सोना, सुलाना, सुलवाना। रोना, रुलाना, रुलवाना। खाना, खिलाना, खिलवाना। इस वीडियो में हमने प्रेरणार्थक क्रिया, प्रेरणार्थक क्रिया के प्रेरक, प्रेरणार्थक क्रिया के भेद और क्रियाओं के प्रथम तथा द्वितीय प्रेरणार्थक क्रिया रूप देखे हैं। धन्यवाद।